सबसे पहले प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा यह पिंड ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड है। तो सबसे पहले क्यों हम अपने पिंड को ही सुधार लें? अगर हमारा पिंड ही ठीक हो जाए तो सृष्टि आप अपने आप ठीक हो जाएगी। तो हम कैसे ठीक करें? तो कहा कि सात्विक, राजसी और तामसी तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पूरी प्रकृति ही तीन गुणों में बटी हुई है। अब उसमें यह है कि तुलसीदास जी ने कहा कि मिलत एक दारुण दुख दीना और विछुड़त एक प्राण है दीना। सबसे पहले आपके घर के वातावरण से शुरू करें, वहीं से पर्यावरण आपका शुरू हो जाए। जब आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा प्रवेश करता है कि जिससे देख करके सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, तो लगता है कि कितनी जल्दी ये यहाँ से चला जाए, तो वहाँ उस समय जो है वातावरण बड़ा ही ऐसा हो गया कि वह रहने लायक नहीं रहा। अब दूसरा, जब कोई ऐसा संत, ऐसा पुरुष घर में प्रवेश करता है जिसके आते ही वह आपका घर सुंदर मधुमय बसंत जैसा हो जाता है, लगता है कि व्यक्ति जा ही नहीं, यहाँ से यहीं रहे, तो अगर वो जा रहा है तो लगता है कि मेरा प्राण ही लेके जा रहा है। तो सबसे पहले यह है कि यहीं से पर्यावरण की शुद्धि होनी चाहिए। जो हमारा पिंड है उसी प्रकार से हमारे, हमने जो उदाहरण दिया मिलत एक दारुण दुख दीना छोटे प्राण दीना, उसके पीछे यही जो हमारे विचार है, जो हमारे सदविचार आते हैं तब का जो वातावरण होता है, और जब हमारे असद विचार आते हैं, क्योंकि हम जब सूक्ष्मात सूक्ष्म की तरफ चलते हैं उपासना में, तो उसमें यह है कि जैसे हम जब ध्यान पर गए और जब हमारा ध्यान लगा, जिस समय वह ध्यान में जो प्रकाश दिखता है, जैसे वो प्रकाश एकदम श्वेत है, स्वच्छ है, पूरा चांदनी खिली हुई, लेकिन जैसे ही आपके मन में कहीं तमोगुण का प्रवेश होता है, उस विचार आपके थोड़े से बदलते हैं वहां, तो उसका जो रंग है वो चांदनी का वो बदलने लगता है, उसमें परिवर्तन होता है। ये अच्छे अच्छे साधकों ने इस बात को माना। तो कहने का आशय यह है कि जब आपके विचार मात्र से जो है परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यह जगत स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, कारण भी है, सूक्ष्मात सूक्ष्म है ना, तो
इसको शुद्ध रखने के लिए हम सभी मानव सबसे पहले जो अपने इष्ट की अध्यर्थना अर्चना वंदना अर्चन जो भी करते हैं उसको मन से करें। और इस क्योंकि हमारा ऋषि कभी अपने लिए कुछ नहीं करता, तो जब बैठता है अपनी उपासना में तो सबसे पहले विश्व के कल्याण की बात करता है, तो संकल्प ही लेता कि विश्व का कल्याण, यहीं से शुरुआत होती है। उसमें कहीं भेदभाव नहीं है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं। एक अच्छे संत थे ब्रज के, उनके पास कोई गया कि महाराज जी हमारा है ऐसी समस्या, हमारे लिए कुछ प्रार्थना करो। तो कहे हमने तो सुबह ही प्रार्थना कर दिया था आपके लिए विश्व कल्याण, उसने अभी आगे उससे बार बार मैंने है ना। तो ये हमारी ऋषि परंपरा है। अगर वेद पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करते हो, इसका अनुगमन करते हो, तो शायद पर्यावरण दूषित बना, क्योंकि जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी ऋषि परंपरा है, वह जीवन देख लीजिए और पश्चिमी जगत के लोगों का जीवन देख लीजिए। कोई भौतिकवादी इतना ज्यादा अंधाधुंध जो फैक्ट्रियों का लगाना और तमाम तमाम तरीके का दोहन करना प्रकृति का आज सबके सामने आ रहा है। अच्छा और क्या, ये आप मान के चलिए कि पूरे सृष्टि में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसका कोई मालिक ना हो। कोई कोई मालिक है, आप देख लीजिए एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक वो अपने स्थान के लिए लड़ता है। आप देखिए जिसका मतलब देख लीजिए, आप शेर के इलाके में नहीं जा सकते, वो उसके इलाके में नहीं जा सकता, सबका इलाका बटा हुआ है। उसी प्रकार से पूरी भूमि जो है बटी हुई, उनके नाम पड़ता है तो उनके नाम पड़ता है, उनके नाम पड़ता है, कहीं खाली नहीं है ना। तो ये मानवीय संविधान के अनुसार चलता है, लोग अपना अपना जमीन को बांटते हैं, मालिक होने बैठे। लेकिन ईश्वरीय संविधान में जिसने सृष्टि की रचना किया है तो उसकी जमीन है, वो जिसने रचा है अर्थात ईश्वर है ना, ईश्वर इसका मालिक है। अगर आप उसके बनाए हुए सृष्टि को आप प्रदूषित करेंगे, दूषित करेंगे, क्या वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, आपको वार्निंग देगा एक बार दो बार तीन बार, और नहीं मानेंगे तो फिर वो दंडात्मक कार्रवाई करेगा। और वही हुआ, जो कोरोना आया ऐसे नहीं आया, सबको सबक सिखाने के लिए आया। पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने बिलों में घुस गए जाकर के, सारी सुरक्षा होती है, क्यों नहीं बाहर निकले भैया, निकल जाते तब जानते क्या बहादुर है कि नहीं। लेकिन नहीं, सबको हुआ कोरोना, वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे जो विश्व के, तो सबको हुआ, सब परेशान हुए, क्योंकि वो ईश्वरी सत्ता है, सर्वोपरि सत्ता। और वही अपने इस सृष्टि की रक्षा कर सकता है। तो इसीलिए दुर्गा सप्तशती के द्वादश अध्याय में आया है, भगवती ने कहा कि मैं ही जो है महामारी, एक महामारियों का स्वरूप है। और क्यों स्वरूप है? जैसे बच्चा बहुत बदमाश हो, बात न माने, तो माता कभी कभी आंख भी दिखाती है, लाल लाल आंख दिखाती, डंडा उठाती मारने की, बच्चा डर जाए। तो उसी प्रकार से प्रकृति की रक्षा के लिए भगवती जो कटिबद्ध है। और सौ सौ वर्ष के बाद आप देखिएगा ऐसी आती हैं विपत्तियां आती हैं, जैसे आपने सुंदर गार्डन लगाया है, एक साल दो साल हो गया उसमें ज्यादा खरपतवार हो गए, सुंदरता उसकी नष्ट हो गई, तो आप माली बुला करके उसकी कटाई छटाई करते हैं उसके सौंदर्यीकरण के लिए। तो उसी प्रकार से यह हमारी जो आदिशक्ति है, पराशक्ति है, वो भी सृष्टि की रक्षा के लिए ये सारा उपक्रम करते हैं। कोरोना ले आएंगे, कभी ताइवान लाएंगे, कभी कोई बीमारी लाएंगे, कभी कुछ आएगा, है ना, हैजा चेचक इसी सब का रहता है, क्योंकि उनको ये सब ठीक नियंत्रित करना है। और आप देख लिए उस काल में इतना पैसा खर्चा हुआ गंगा के ऊपर, कभी निर्मल नहीं हुआ आकाश, कभी निर्मल नहीं हुआ, लेकिन उस काल में नदियाँ सब निर्मल हो गई, आकाश निर्मल हो गया, पर्यावरण शुद्ध हो गया, सब जीव जंतु प्रसन्न होकर के घूमने लगे, उनको कहीं कोरोना नहीं पकड़ा, है ना।
ये हमारे लिए था, निर्देश था, है ना, कि हम सुधर जाएं। और जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक जो है प्रकृति नहीं सुधरेगी, है कि नहीं भाई। हम अपना अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करें तो ये है। क्योंकि अब देखिए त्याग की भावना हमारे ऋषि परंपरा में क्या रही है, हमारे महर्षि व्यास कहते हैं कि चेराणि किं पथिन संत दिशंत भिक्षाम नैवांग्रिपः परिभृतो सरितो पिशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो तिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। हमारी ये परंपरा रही है, जो हमारा ऋषि है, जो हमारा सन्यासी है वो चला जा रहा है, एक कोपिन धारण किया और कुछ नहीं उसके पास। उसका जब कोपिन फटता है तो वस्त्रों में लपेटे ये चीर हैं उसको लपेट करके आगे बढ़ जाता है। तो कहता है क्या अब वो वस्त्र नहीं मिलेंगे लपेटे हुए वृक्षों में, क्या अब जो है वृक्ष हमें फल नहीं देंगे, क्या अब झरनों से जल नहीं मिलेगा, क्या गुफाओं में हमें आश्रय नहीं मिलेगा, क्या भगवान अजितनाथ अब हमारी रक्षा नहीं करेंगे। तो भाई जब ये सब है, प्रकृति हमारा पालन कर रही है, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो धन के मद में चूर लोगों के सामने हम हाथ क्यों पसारे। ये त्याग का जीवन, हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो वेद है, हमारा जो पुराण है, वो त्याग में जीवन सिखाता है। अगर त्याग में जीवन हो जाए तो पर्यावरण अपने आप से हो जाए, हमें बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और बड़े बड़े उद्योग लगाने की जरूरत ही नहीं। कंदमूल फल खा करके हम आनंद से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारी उसमें हैं, तो इसीलिए और हम तो यही कहेंगे कि हम लोग अपने को सुधारें, सब सुधार लें, और कोई चिंता की बात नहीं है। केवल युग धर्म है, युग का दोष है, हमारी आपकी सबकी जो बुद्धि आज निर्मल नहीं हो रही है, युग धर्म के अवसर। लेकिन कहे कबीर गुरु ज्ञान से एक आधु वरम, है ना, जो भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, इसी में से हम सभी लोग कहीं कहीं पार हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम तो बस भाई साहब जो है हम जा रहे थे पकड़ लिए कह कि हमारे कार्यक्रम में आ जाइए, हम कह चलिए भाई होके जाते हैं, आज घर में उत्सव है, वहाँ पर जाना है। बहुत बहुत